जी सत श्री अकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम स्वागत है थोड़ा साडे चैनल ते जिसका नाम है रीत व्लॉग्स एंड आप लोग मेरे को इस तरह से देख के समझ रहे होगे कि ये कैसे बैठी है मैडम जी कोई व्लॉग तो शूट नहीं होने वाला ऐसे है ना। एक्चुअली आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया होगा कि क्या आप लोग जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग डाला था आप लोग वो पहले चेकआउट करो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है तब आपको समझ लगेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। उसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू करूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा मैं ऑनेस्टली बोलूँगी मतलब मुझे कमेंट्स आजकल जैसे आपको पता है व्यूज़ इतने नहीं आ रहे तो जितने भी कमेंट्स आए थे उसमें से एक दो जनों ने बोला कि हाँ जी आप इस तरह की वीडियोज़ बनाओ एंड पर्सनली बताऊँ कोई बोलता ना बोलता मेरा खुद का बहुत मन था तो मुझे करना ही था। ठीक है मेरे अंदर से मतलब वो चीज़ें थी कुछ चीज़ें जो मैं बाहर निकालना चाहती हूँ मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इतनी एज नहीं है मेरी अभी कि मैं ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ बट कहते हैं ना कुछ चीज़ें उम्र बढ़ने से नहीं पता लगती बट ऐसे मेरे में एक चीज़ है जो मैं मानती हूँ कि मेरे में क्वालिटी है कि मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ लोगों को रिश्तों को मैं ऑब्जर्व बहुत करती हूँ। ठीक है मतलब जब भी मैं किसी के साथ हूँ इवन आप लोगों के साथ में भी हूँ जजमेंट में और ऑब्जर्वेशन में एक थिन लाइन होती है। ठीक है जजमेंट होती है जब हम किसी को देखते हैं एंड उनको हम जज कर लेते हैं कि यार मतलब ये कैसे हो सकता है ये वो मतलब वो जजमेंट आप समझ रहे हो ना। ऑब्जर्वेशन इज अ डिफरेंट थिंग ऑब्जर्व मैं करती हूँ अगर किसी में कोई अच्छी क्वालिटीज हैं या फिर अगर किसी में कोई फ्लॉज भी हैं तो मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक है सो उन्हीं कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस के ऊपर मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आई होप आप लोग मेरा इस जर्नी में साथ दोगे एंड आज का जैसे आप लोगों ने टॉपिक में भी ऑलरेडी देख ही लिया है थंबनेल में भी टाइटल में भी मैंने मेंशन किया है कि ये वीडियो मैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बना रही हूँ दिस वीडियो इज फॉर बोथ जेंडर्स ओके लड़के लड़कियां एंड फॉर एवरीबडी जो लोग भी अगर आप एक रिलेशनशिप में हो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या मैरिड हो हस्बैंड वाइफ हो सो उन सब के लिए ये वीडियो है। तो शैल वी स्टार्ट लेट्स बिगिन देन। तो सबसे पहले ना जब भी हम कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं या फिर अगर हम मैरिज की भी अगर हम बात करें रिलेशनशिप में मैरिज में जब शुरुआती टाइम होता है ना तब ना हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से हर एक चीज पूछ के करना अरे सुनो क्या मैं यहाँ जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ क्या मैं चले जाऊँ एक एक चीज हमने टेक्स्ट पे बताना यू नो कि मैं ना यहाँ जा रही हूँ या यहाँ जा रहा हूँ क्या मैं चला जाऊँ क्या मैं इस जगह पे हो आऊँ क्या मैं ये चीज कर लूँ क्या मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ मतलब हम हर एक चीज ना पूछ पूछ के करते हैं वो स्टार्टिंग में अच्छा लगता है यू नो एक बटरफ्लाइज वाली फीलिंग्स होती हैं अंदर तो शुरुआती में अच्छा लगता है कि यार आप हर एक चीज अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो वो एक अलग किस्म का प्यार होता है उस वक्त। ठीक है बट जब आप ये चीज करना स्टार्ट कर देते हो ना चाहे आप रिलेशनशिप में अगर मैं लड़कियों की बात करूं मैंने जो चीज ऑब्जर्व करी है ज्यादातर ये फीमेल्स के साथ होता है आई मस्ट से सारी लड़कियां या अगर आप मैरिड हो तो ये वीडियो देख रहे हो आप लोग रिलेट करोगे मेरे साथ कि हमें शुरुआत में तो अच्छा लगता है बट जब आप उसको कंटिन्यूएशन में करते जाते हो ना एक टाइम आता है जब आप खुद भी फेडअप हो जाते हो आपको लगता है कि यार ये क्या मतलब आप पूछते नहीं हो फिर एक टाइम आएगा आपने अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे जाना है आपने उस वक्त बताया नहीं अपने पार्टनर को एंड आप सीधा चले गए एंड देन सडनली आपके पार्टनर की कॉल आती है कि कहाँ हो आप उनको बताते हो मैं बाहर हूँ फिर आगे से ऑपोजिशन होती है कि पहले तो हमेशा बता के जाती थी अब इस बार बता के नहीं गए हो बता के क्यों नहीं गए हो। ठीक है ये चीजें आने लग जाती हैं। आई वॉन्ट टू आस्क कि एक रिश्ते में परमिशन लेनी जरूरी होती है क्या मेरा मेन आज का मुद्दा ये है परमिशन एक होता है ना मतलब परमिशन एक बहुत बड़ी बात है आप अपनी जिंदगी के कोई डिसीजन के लिए आप अपने अपनी जिंदगी में कुछ करना है उस चीज के लिए आप परमिशन ले रहे हो अपने पार्टनर से लड़के हो लड़की हो दोनों के लिए बात है क्या ये ठीक है। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं ना तब हम परमिशंस नहीं मांगते हम सजेशंस मांगते हैं। ठीक है अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ करना है आप आगे फर्दर अपनी एजुकेशन करना चाहते हो आप कोई जॉब करना चाहते हो तो आप सजेशन मांगते हो आप अपने पार्टनर से ये नहीं पूछोगे कि क्या मैं जॉब कर सकती हूँ। जिस दिन आपने ये पूछ लिया कि क्या मैं ये जॉब कर सकती हूँ आपने अपनी लाइफ का सारा जो कच्चा चिट्ठा है सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो उस बंदे के हाथ में थमा दी सामने वाले को ऑटोमेटिकली क्या लगेगा कि आप अपने लिए डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो इसको मेरे पास आना पड़ रहा है पूछने के लिए इसका मतलब कि ये सेल्फ मतलब वो कहते हैं ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उसके ऊपर दे दी। अब आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो आपको अंदर से पता है बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर हिज परमिशन
बेटर वे क्या होता है पूछने का कि सुनो मैंने ना सोचा है कि मैं इस जगह जाके इंटरव्यू देके आऊं, तो आपको क्या लगता है ये कंपनी ठीक है, राइट? या ये जॉब जो मैं करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, आपको लगता है कि ये फ्यूचर में मेरे हेल्प करेगी, या आपके पास कोई और सजेशंस हैं जो आप मेरे इस फील्ड में मेरी हेल्प कर सकते हो? डोंट आस्क कि क्या मैं चली जाऊं या चला जाऊं, ठीक है? अंडरस्टैंड माई पॉइंट. क्योंकि जिस दिन आपने परमिशन मांग ली, अगर आप लाइफ के किसी डिसीजन के लिए भी मांग रहे हो, चाहे आपने जॉब करनी है या आपने आउटिंग के लिए जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ, हफ्ते दो हफ्ते के लिए आपने कहीं घूमने जाना है, आप उनको बोलो लिसन हमारा प्लान बना है, हम सब आउटिंग के लिए जा रहे हैं, क्या आप मेरी पैकिंग में हेल्प करोगे, या आपके पास कोई सजेशंस हैं कि वहां पे जाके हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन सी सिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, डू यू हैव एनी सजेशंस? Ask for suggestions from your partner. अब अगर मैं एक टिपिकल हमारे हमारी सोसाइटी में ना अपब्रिंगिंग ही इस तरह से हुई है कि शादी हो गई है जी, पति से पूछ के करना है, सारा कुछ करना है, सीधी बात बोलूंगी, चुप सकती है मेरी बात, बट दिस इज द फैक्ट, ठीक है? बहुत लोग इस चीज को लेके अवेयर भी हो रही है, बहुत न्यू जनरेशन जो हमारी आ रही है वो इस चीज को लेके अवेयर भी हो रही है, बट अभी भी कई जगह पर ये चीज फॉलो की जाती है कि पति से पूछ के करेंगे, अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो चलेंगे जी, नहीं दी तो फिर रहने देंगे, है ना? यही होता है ना, क्या आपके पति भी आपसे इजाजत मांग के जाते हैं अगर उन्होंने कहीं जाना होता है तो? मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अभी जाके अपने पार्टनर से लड़ पड़ो के जी हाँ आप तो मेरे से परमिशन लेके नहीं जाते हो, मैं सब जगह आपसे परमिशन लेके जाती हूँ, दिस इज नॉट द थिंग. आई एम जस्ट सीइंग अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट आई एम जस्ट सीइंग फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स अपने लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने जो डिसीजंस हैं वो किसी के हाथ में मत थाम लो, अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद स्ट्रांगली लो, सो दैट आपके डिसीजंस में इतनी पावर होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि सामने वाले को पता हो कि नहीं यार ये अपने डिसीजंस खुद लेती है, मैं इसको कुछ भी बोलूंगा तो शी विल नॉट अग्री, ठीक है? अगर आपने अपना डिसीजन उनके कहने पे लिया तो हर बारी उनके कहने पे ही लेना पड़ेगा. तो जो लोग शुरुआत भी कर रहे हैं ना किसी रिश्ते की, अगर आपकी मैरिज होने वाली है या फिर आप अभी रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो कभी भी अपने फैसलों की डोर, अपने फैसलों का हक, क्योंकि आपके फैसले आपके होते हैं, उनका हाथ, उनकी डोर आप किसी के हाथ में दे दोगे ना तो आपके फैसले कमजोर पड़ जाएंगे. जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना, ये चीजें रिलेशनशिप की शुरुआती क्षणों में तो अच्छी लगती हैं, शुरुआती पलों में तो बहुत अच्छी लगती हैं, उस वक्त में तो वही बटरफ्लाइज वाला वो माहौल होता है, बट जब आप धीरे धीरे अपने रिश्ते में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको लगेगा कि आप एक केज में ना कैद होते जा रहे हो, फ्रीडम नहीं है आपके पास, ठीक है? एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से वो अब मेरे मुंह से निकला है कि फ्रीडम नहीं होती रिश्ते में, ऐसे रिश्तों में जहां पे आपको हर एक चीज पूछ पूछ के करनी पड़ती है, ठीक है? इवन कई जगह पे तो अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करती हूँ, कई घरों में तो इवन वाइफ की पसंद का खाना भी बनना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द हस्बैंड हैज टू डिसाइड एवरीथिंग कि आज उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, एंड अगर उन कोई चीज है जो उनको नहीं पसंद है बट वाइफ को पसंद है तो वो बनती ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि जी हस्बैंड नहीं खाएंगे इसलिए ये चीज तो हम बनाते ही नहीं है. अपनी पसंद का भी ख्याल रखो, अपनी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को एक्सेप्ट करो, एक दूसरे की पसंद नापसंद को एक्सेप्ट करो. एक रिश्ते में फ्रीडम होनी बहुत जरूरी है, ठीक है? किसी रिश्ते में अगर फ्रीडम नहीं होती ना, वो घुटन भरा रिश्ता ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, ठीक है? अगर आप अपने पार्टनर को वो घुटन भरा रिश्ता दे रहे हो, प्लीज उस चीज को खत्म कर दीजिए, एंड फ्रॉम आगे से जो है ना, अपने अगर आपका पार्टनर आपसे परमिशन मांगता भी है तो उनको बोलो मुझसे पूछो मत, तुम मुझे बताओ क्या करना है एंड आई विल सजेस्ट यू. हाँ, अगर आपका पार्टनर आपको लग रहा है कोई गलत ट्रैक पे जा रहा है या वो ये फैसला उनका गलत हो जाएगा, आप उनको सलाह दे सकते हो, ठीक है? आपने उनको सलाह देनी है कि सुनो इस तरह से हम कर सकती हैं, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा, ठीक है? बट ये नहीं है आपने उनको, मतलब वो कहते हैं ना कठोर वे से आपने उनको रोक नहीं देना कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सजेशन देनी है, ठीक है? बाकी गलत हो गया फैसला उनका तो क्या हो गया, उससे उनको कोई सीख ही मिलेगी, जिंदगी तो नहीं तबाह हो जाएगी ना,
कोई लेसन मिलेगा, ठीक है, वो लेसन से वो सीख जाएंगे एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपके सजेशंस को वो बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, आपकी हर एक सजेशन वो फॉलो करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है दोनों की, ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और वीडियोस मैं कंटिन्यू करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझे कमेंट करके बताओ, क्या क्या टॉपिक हम और ले सक इस क्या क्या टॉपिक में और आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उत्साह मिलेगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला, अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके बाद लाइक शेयर और वो सब करने का कोई फायदा नहीं रहता। सो जीते जी जितना सम्मान देना है, प्यार देना है किसी को, वो दे लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस, बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो, क्योंकि उसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियोज लेके आती रहूंगी इस तरह की आपके लिए। एंड दैट्स इट जी ये वीडियो के लिए, धन्यवाद देखने के लिए।